वाह क्या चिन्ह मिला है चच्चा को। पूरे 5 साल हो गए चच्चा को जीते हुए। हमारे चच्चा ने क्या न करवाया, सड़के बिजली स्कूल सब कुछ खुलवा दिया। तो भैया इस बार मैं और मेरा पूरा खानदान तो घोड़े को देगा। अरे हमें ही दे दो, ये घोड़े को ही दोगे? अबे साले चुनाव चिन्ह घोड़ा इसे देंगे। तो ऐसे बोलना। वैसे एक बात है, इस बार के इलेक्शन में चच्चा के खिलाफ कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं हुआ है। लंगले घर खाली कर, तेरा टाइम पर हो गया। साले घर मेरा है, मैं क्यों खाली करूं? ए खाली कर। कागज पूरे हैं आपके? यस सर। बस तो फिर मेरी पुरुषली की बहन, गुड स्टैमिना। आज नहीं तो कल तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। अबे क्यों छोड़ना पड़ेगा हमें घर? क्योंकि तुम्हारे इस बहन के लोन पे साइन है। जी बहन की गाली बकरिया, बहन का लड़ा। बैंक के लोन के पेपर पे तुम्हारे साइन है। बेगम गाली नहीं बकरा, ये ला भाई दिखा कौन से पेपर है। ये तो WWE का फॉर्म है, टिम्मा ने मुझसे भरवाया था। अरे ये कोई WWE बहन की घोड़ी घर में कैसे जाएगी ये सोच। टिम्मा बॉस देख, आप उनको 5 तारीख तक की मोहलत देने का है। 5 को आ रहा है इलेक्शन का रिजल्ट और इस बार आप उन पक्का जीतेगा। तो तू 5 तारीख को आने का, आप उनसे रोकड़ा लेके जाने का। अबे कहां से लेगा पैसे? अरे आप उन फिर से इलेक्शन लड़ेगा ना। फिर से इलेक्शन? अरे तिन्ने इतनी बार तो बैंगलोर नहीं आ रही IPL में, जितनी बार तू इलेक्शन में हारा है। अरे माँ आप उनकी बात सुनने का, इस बार आप उन 100% जीत रहेगा। इस बार किसको इलेक्शन में खिला रही? अरे प्रधान को खड़ा करेगा आप उन। चल बेगम। ए बाप किधर जा रहे ला? अबे टिम्मे तू साले उस इंसान पे भरोसा कर रहा है जिससे अपना वोट तक नहीं डाला। हाँ अपन कर रहा है भरोसा, क्योंकि वो प्रधान नहीं रहा। अपन ने जो 30 पेटी इस बॉस से ली थी उसमें से 25 पेटी अपन ने उस प्रधान के ऊपर खर्च करी है। तो सबको मिलने का 5 तारीख को, अपन चलता है अभी इलेक्शन की तैयारी करनी है। और तेरे को तेरा रोकड़ा मिल जाएगा 5 को। दीपक जी इस बार ख्याल रखना हमारे घोड़े का। क्या लोड़े का? अरे दीपक जी लोड़े का नहीं, घोड़े का। दान, एक बार फिर से भरोसा कर रहा अपन तेरे पे। तो तेरे को याद है ना क्या क्या करने का इलेक्शन में? हाँ नसीम मुझे सब याद है, मुझे सिखाया गया है ट्रेनिंग में कि अगर किसी घर में चुनाव के लिए जाए तो वहाँ पर अगर आपको बच्चा दिखे तो उसके गाल पकड़ के आपको प्यार करना है, और सबसे महत्वपूर्ण हमें हिंसा से दूर रहना है, गालियों का कम प्रयोग करना है, और अपने चुनावी भाषण में हमें बड़े बड़े वादे करने हैं ताकि पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो नसीम जी मैंने ये सब सीखने के बाद मैंने एक चुनावी खाका तैयार किया है जिसमें हमें चुनावी भाषण में क्या क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। बहुत शानदार बेड़ू, बहुत शानदार। आप उनको तेरे पर विश्वास हो रहा है, अब तू आप उनको जिता के देखा। तो आप उन अभी आ रहा है, तू प्रचार की तैयारी कर।
लाख रुपए खर्च किए गए हैं मेरी ट्रेनिंग पे। मार्शल आर्ट से लेकर चुनावी भाषण तक सब सिखाया गया है मुझे। बता किसने भेजा है तुझे, बता बता। अरे किसने टच करे लापू के प्रधान को, अरे किसने ठोके लापू के प्रधान को। मजी हमें क्या पता, ये क्या हो रहा है इसके मध्य पे। इनके दिमाग में गहरी चोट लगने की वजह से ये अपने पिछले 5 साल तक की मेमोरी खो चुके हैं। हैं? मैं ढक्कन, ऐसा कुछ नहीं होता है। चल अभी देख आपुन दिखाता है। ओए प्रधान, इस बार इलेक्शन में आपुन लोगों को क्या मांगने का है? भीख। ये क्या झोल हो गया बाप, 5 साल की खोनी थी। डॉक्टर साहब कोई 2-2.5 साल की नहीं जा सकती इसकी। हाँ बिग बाजार का ऑफर चल रहा है। आप उनने इलेक्शन के वास्ते पिछले 5 साल में इस पे 25 पेटी खर्च करे लाए। तिम्मा जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट है, आती जाती रहेगी। हाँ बिजली का बिल हो रहा है, आती जाती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, आ रेला आप उन लोग आ रेला। हाँ प्रधान भी आ रेला है। माहौल लगेंगे, माहौल लगेंगे, माहौल लगेंगे। अनलोड हो गया बहुत ही जोड़, माहौल लगेंगे, माहौल लगेंगे, माहौल लगेंगे, माहौल लगेंगे। अरे क्या चिन मिला कर ले भार दी टिम्बर प्रधान को, लोग खुद ही देख लो। तोबा 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 तोबा। ए कल्ले भाड़, क्या चिन मिल रहा आप उन लोगों को इस बार। इम्मा जी आप तो थे मनुष, आपकी किस्मत में मनुष निकली। एक टाइम गलती नहीं करने का बताने का जल्दी। कफन मिला है, इसकी मौत हो रही है। बे साले टीम में चुनाव चिन्ह कफन मिला है तुझे, देख। कोई नहीं होने का है, बहुत बढ़िया चिन्ह मिल रहा आप उन लोगों को। इलेक्शन जीतने के बाद इन सब लोगों को कफन बांटेगा, मतलब कफन जैसी सफेद चादर बांटेगा। आप उन वोट मांगने चलने का नहीं। उधर तेरा चच्चा घोड़ा लेके चल लिया है, अगर तुझे इलेक्शन जीतना है तो असली कफन लेके चल। असली किधर से लाएगा रे आपुन, मुझे नहीं पता। और प्रधान तुझे क्या हुआ, मोतिया लंड हो गया बहन चोद मुझे। और एक ये डॉक्टर बहन का लोड़ा, चोट मेरे पीछे लगी है, पट्टी आगे बांधे पड़ा। भाई कल्ले फाड़, किधर से लेके आगा आपुन असली कफन। छोड़ मुझे, ये है तो कफन। ये प्रधान कुटवाएगा क्या आप उन लोगों को, ऐसे नहीं लेने का कफन। कफन के लिए आप उन लोगों को रोना पड़ेगा, और ऐसे रोने का है कि जैसे अपना बहुत करीबी मरेला था, समझा। अरे बड़े अच्छे आदमी थे, आदमी अम्मा थी हमारी। अम्मा भी इतनी जल्दी जवानी में क्यों चली गई? जवानी 90 साल उम्र थी इनकी। 90? अरे 90 में तो गोल मटोल बन गया था फिगर। अरे टिम्मा ले जाएगा हमारा। मेरी अम्मा का कफन ले गए रे। किधर गए? एकल ले फाड़, ले आए आप उन लोग कफन। वाह बिल्कुल ओरिजिनल कफन है। अब वोट मांगने चले। चलो धान को क्या हो गया, ये क्या है कफन है? इसलिए? अरे चुनाव की नहीं, हमारा वोट मांगे इससे। उधर चच्चा भी तो घोड़े से मांग रिया। बहुत गंदी बात, वोट तो हम वैसे ही मांग सकते थे पेपर से। बिल्कुल सही बोल रहे ला प्रधान, बिल्कुल सही। अब आप उन लोग जीत गए समझो, प्रधान की याददाश्त आ रही है वापस। अरे तो माहौल लगेगी, माहौल लगेगी, माहौल लगेगी, माहौल लगेगी, महल लगेगी, महल लगेगी, महल लगेगी।
बहन जी नमस्कार। बहन जी हमारा चुनाव चिन्ह कफन है, इस बार कफन पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाना। धन्यवाद। प्रधान बच्चा देख रहे लाए तेरे को, देख कल्ले फाड़ कैसा आपन 25 लाख रुपए खर्च करे ला इसके ट्रेनिंग पे। कुछ ट्रेनिंग नहीं है, इस बार इलेक्शन आपन लोग जीतेंगे। जवाब नहीं बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े ही सुंदर हो, बहुत सुंदर। कौन है बे भोसड़ी का मेरी गोदी में? कैसे प्रधान आपन लोग वोट मांगने आ रहे ला, बच्चे को प्यार से बात करने की है। इसका वोट होगा आटू झाटू होगा? कहां तुम सुंदरता की मूरत और कहां ये मनुष्यत की मूरत। मेरी जान तुम्हें ही वोट देना है बस, इसकी झाटू की झाटू की। इस घर के वोट बिल्कुल पक्के हैं, कांटे से नहीं कट सकते। प्रधान जी अरे आप उनको वोट ही नहीं चाहिए इधर से अगले घर चलने का। चलो तो सही प्रधान जी। अरे यार ये घर तो गांव में ही ना आता, गांव के बीचों बीच में आता है घर। हल लगेगी, हल लगेगी, हल लगेगी, हल लगेगी, हल लगेगी। इकबाल भाई इस बार मोहर कफन पे ही लगनी चाहिए। कफन? कफन ही तो लगे वो दो लोग मेरी अम्मा का। अब अम्मा इंतजार कर रही है कफ कफन आए और कफ दफन हो। अरे आए होंगे वो दो लोग, चर चक्के आप इन्हें देखिए, ये दोनों गांव के लिए फरिश्ते हैं। दिखाओ प्रधान जी अपनी फरिश्तों वाली सूरत। अरे पर्दा कर गए आप उन लोग। अब हम जब ही सूरत दिखाएंगे जब हम प्रधान बन जाएंगे। चलो यहाँ से हो गया यहाँ का। ये क्या बात है प्रधान जी, हटाओ कफन। ये कफन तो मेरी अम्मा का लग रहा। सालो तुम क्या हुआ, क्या हुआ? अम्मा का कफन मिल गया। इधर बुला, ये तो हमारा चिन्ह है। चिन्ह? चिन्ह बुला। मैं कहूं ले यार, मैं कहूं ले यार। हमारी सरकार में नालियां बनी, रोड बने, घर घर में टॉयलेट लगे और इसी के आधार पे मैं तुमसे वोट मांगने आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे आप वोट दो, मैं आपको रोजगार दूंगा। मोहर लगेंगे, 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 मोहर लगेंगे। चचा ये सब तेरी खरीदी हुई भीड़ है बिरयानी की, लेकिन ये सब बहुत कफन का है। देखो मोहर लगेगी, गोड़े गोड़े पे। कल देख लेंगे तुम्हें बोर्डिंग पे। साले कहाँ रहे टिम्मू और प्रधान? बिल्कुल बिगड़ नहीं है सालों के इलेक्शन की। वह कहाँ जा तक? मैं सो रहा था अपुन। तुम्हें दिख नहीं रही है कितनी लंबी लाइन है ये? मेरे कद्दू की लाइन। अबे प्रधान है, पहला वोट डलेगा। पर्ची दे। तो डाल का। प्रधान है यहाँ के। ये कर रहे हो तुम दोनों? ए मामू वोट डालने जा रहे लेते हम। लाइन में लगकर वोट डालो, ऐसे वोट कौन डालता है? अरे लाइन में लगेंगे हम। हम धोने वाले प्रधान है क्यों भाई? अरे लाइन में लगेंगे हम। बस बहनचोद आगे क्यों नहीं बढ़ता तू? अब भोसड़ी के ए साले। भाई साहब मजाक कर रहे थे, आप आगे बढ़िए। आगे आगे थोड़ा सा आगे भाई साहब। तेरे को इलेक्शन के बाद देख लेगा अपन। साले मामू सिपटिए। डालिए बट। हाँ। इस बार जीत कफन की होगी आप उन लोगों की। चचा चलिए आगे। अबे जीत देगा कैसे ना, घोड़ा चल लिया झड़ा। प्रधान जाली वोट डालना पड़ेगा आप उन लोगों को, ऐसे नहीं जीत पाएंगे वरना। पर डालेंगे कैसे? भाई साहब जल्दी चलो। ए साले
चलता क्यों ना आगे को? दरोगा साहब, ये दोनों के दोनों मुझे बैरूपिया लग रहे हैं और चाली वोट डालना है ये, और इसकी आवाज से तो ये टिम्मा जी लग रही थी। प्रधान जी, ये क्या बात कर दी आपने? ये नसीम जी की बहुत बड़ी फैन है इसलिए उनकी आवाज निकाल लेती है। मैं प्रधान जी की बड़ी फैन हूँ इसलिए मैं उनकी आवाज निकाल लेती हूँ। देखोगे अब भाव सड़ी के उधारों में। देखा, ऐसे नाम लगाए। चलो समरीन जी आगे चलो। प्रधान जी क्यों परेशान कर रहे हो? अबला ना रही है। अबला ना रही? अभी देखो मोहर लगेगी कफन पे। समझो। प्रधान जी तुमने दौड़ों को भागते हुए देखा यहाँ से? अभी मैं देख आप उनकी आवाज निकाल ली थी। हाँ हाँ इधर गई है। जी बोर्ड बहुत ही डल रहे हैं। आईडी दिखाओ अपनी मासूक अली। आईडी दिखाओ मोहम्मद रफी। सारे रफी यहीं पे हैं। मैडम जी बोर्ड दिखाओ अपना। मैडम जी बच्चे को बाहर खड़ा कर दो और आप अंदर जाकर बोर्ड डाली आओ। इसका तो डलवाना ही हूँ। बच्चे का क्या हुआ रे मामू? टिम्मा जी बच्चे का बोर्ड डलवाना ही है। बताओ इल्लीगल बोर्ड नहीं डलने का, मैं बाहर खड़ा करके आने का बच्चे को। कफन को दूंगी। कफन पे डालो या किसी पे भी डालो लेकिन बच्चा। चच्चा चच्चा है ये हमारे। चच्चा नमस्कार। तस्लीम चच्चा। आप उनके 3 शादियां कर चुके हैं अपनी लौंडियों की लेकिन बच्चा। अरे इलीगल वोट है। वोट डाल का चच्चा। वोट डाल का हो आप। इलीगल वोट नहीं डलेगा। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? हमें घोड़े पर वोट डालना है। किस पे? घोड़े पे। आजा छोटू बेटे नीचे को आ जा। हां मामू इधर आने का। क्या हुआ? अरे इसका बच्चे का वोट डलेगा जानी। ये 18 से कम उम्र का बच्चा। अरे सब फर्जी आईडी आप उनके चच्चा ने बनवा के दिए। अबे बालक कितने साल का है तू? अरे 14 साल का हूँ। बताओ 13 13 साल का। इसे तो रास्ता भी नहीं पता होगा। छोड़ के आने का प्रधान, इसको घर छोड़ के आने। इलीगल वोट नहीं डलने देगा आप उन। छोड़ के आता हूँ। नहीं दरोगा साहब इलीगल वोट नहीं डलेगा। काहे पे मोहर है बे? कफन पे। आगे जाने का। सब में कफन भिजवा दे। निकल यहाँ से। चलो पीछे को। कफन ही जीत लिया है कल्ले फाड़ जी। घोड़ा जीत लिया भाई। घोड़ा चल लिया है भाई साहब। घोड़ा ही चलेगा। क्या खा जीत लिया कफन? धड़ल्ले से घोड़ा चल लिया। तो भासड़ी के तुझे क्या? तू है कौन? पूरे इलेक्शन में तेरा पता ही नहीं चला क्या कैरेक्टर है? इतना सीरियस तो टिम्मा ना है भासड़ी का। तो मैं कोई भी हूँ, इलेक्शन जीतना नहीं जीतना। टिम्मा इधर आ। एक दो वोट के घपले से नहीं जीत सकते हम। कुछ बड़ा घपला करना पड़ेगा। क्या करने का बोल तू? फिर बहुत कैप्चरिंग करेंगे। किधर है सारी लौंडियां? अरे क्या सुन लिया तुमने? भूत भूत कैप्चरिंग। प्रधान अंदर जाने का। आप उन्हें इधर देख रहे ला तू अंदर वोट डालने का फर्जी। प्रधान जल्दी लगाने का मोहर। चलो हो गया काम। सब पे 3000 लगाए निकलने का। और इस बार गंडेली गांव से जो प्रधान बने हैं तो इस बार की जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और वोटों का अंतर पूरे पूरे 3000। बिल्कुल सही। पर आपको कैसे पता? अरे आपन जीत गए इलेक्शन। प्रधान बन गया। सर लड्डू तो ठीक है, रिजल्ट तो सुन लो पहले। अबे जाहिल हो, रिजल्ट तो सुन लो पहले। और इस बार पूरे पूरे 3000 वोटों से जीता है बहन का लोड़ा। दौड़ा कल बाहर टिम्मा को। दौड़ा टिम्मा। मैं हार कैसे गए रे टिम्मे? मैं जब तुझ पे इतना पैसा खर्च करा तो हार क्यों गए? भूला क्या? हम कहाँ पड़े हैं? अबे जब भूत कैप्चरिंग करी थी तो फिर क्यों हारे? वैसे किस पे लेके जाएंगे? हारे कैसे? रेजे किस पे लेके जाएंगे? मेरे लोड़े पे। घोड़े पे नहीं जाऊंगा। प्रधान अंदर जाने का। आप उन्हें इधर देख रहे ना तू अंदर वोट डालने का फर्जी।
झूला। प्रधान जल्दी लगाने का मोहर। किस पे लगाऊं? अरे कफन पे। मैं किस पे लगाऊं? कफन पे। मैं किस पे लगाऊं? मेरे लोड़े पे लगा दे। टिम्मा जी, जीत हो गई तुम्हारी। आज 5 तारीख भी है, बैग भर दो मेरा।